सो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं लाल बागचा राजा के गेट के पास। आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितना बढ़िया बनाया गया है। और ये आप देख रहे हो यहां का नज़ारा। यहां पर जो है मुख्य दर्शन के लाइन जो है लगती है। फिलहाल जो सारी दुकानें हैं वो बंद रहती हैं उस समय। और यहां पर जो है बप्पा की मूर्ति जो है बनाई जा रही है, पेंटिंग का काम बाकी अभी। और यहां पर आप देख सकते हो मुंबई का राजा जो कि गणेश गली में पड़ता है और अभी फिलहाल तैयारी में है। तो ये काफ़ी दिखने में छोटी है स्क्रीन में, लेकिन एक्चुअल में जो है वो बहुत बढ़िया है। और नाम इनका है सिद्धि विनायक, थीम जो है बनाया गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना कन्हैया, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार नए ब्लॉग में। आज है तारीख 5 सितंबर 2023। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि सर बताइए लालबाग की तैयारियां जो है वो कहां तक चालू हुई है, और डेकोरेशंस की अगर कुछ चीज़ें दिखा सकते हो तो दिखाइए। आप बोलो और मैं करूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे पहली बात, जो सबसे खुशी की बात है, लालबाग के राजा मना रहे हैं 90 ईयर्स। जी हाँ, पूरे 90 साल हो गए लालबाग में गणपति बप्पा जी को यहाँ पर स्थापित किए हुए, यहाँ पर बैठाए हुए। आपको बता दो एक चीज़ और, एक पॉइंट मैंने पूछा है अभी जस्ट, 19 सितंबर 2023 सुबह 6 बजे से जो है लालबाग के दर्शन जो है वो चालू हो जाएंगे। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा, 19 सितंबर 2023 सुबह 6 बजे से। वैसे तो लाइन जो है सुबह 6 बजे से नहीं, रात से ही लग जाती है। बहुत सारी लाइनें भक्त जन जो है वो रात से आते हैं, कुछ लोग तो एक दो दिन पहले से आ जाते हैं। तो ये थी एक नई अपडेट। तो जी हाँ, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ लालबाग में और दिखाने वाला हूँ वहाँ पर कैसी तैयारियाँ चालू हैं। और अगर डेकोरेशन की चीज़ें लेना चाहते हो तो वो कहाँ मिलेंगी आपको, वो कैसी होंगी, क्या प्राइस होगा, एवरीथिंग इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा आपको और ना बोर करते हुए। सो फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेन गेट के पास में। अगर आप आना चाहते हो ना तो लोअर परेल स्टेशन से आप आ सकते हो या फिर करी रोड से। और गेट जो है वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया बनाया है और देख के ही एक अलग से वाइब्स आता है। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लाइन लगेगी वो जगह कैसी है। देखिए ये जो जगह है यहाँ पर जो है लाइन लगी रहती है। पहले ये जो मैदान है खाली हुआ करता है, लेकिन गणपति बप्पा के समय पे यानी जब मंडल बन जाता है तो इसे इस तरह से छावनी लगा दिया जाता है ताकि भक्त जन को जो है वो गर्दी ज़्यादा ना लगे और ज़्यादा धूप ना लगे। और इस तरह से ये पूरा पंडाल जो है वो सजाया जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर काम जो है वो चालू है, जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और पूरी गली मोहल्ले को जो है वो सजा दिया जाता है। गेट मैं आपको वापस से बताऊँ, बहुत ही सुंदर बनाया है। मैं बार बार 3 से 4 बार गेट जो है वो जाकर देख चुका वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ लगाई हैं ये तो और भी अच्छी है। फिलहाल आपको मैं बताऊँ, यहाँ से अभी हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी जो दुकानें हैं वो जब गणपति बप्पा जो 11 दिन चालू हो जाते हैं तो ये सारी दुकानें जो है वो बंद हो जाती हैं। और शाम के वक्त ये जो गली है वो बहुत ही चमकदार हो जाती है। जी हाँ, त्यौहार ही इतना अच्छा है, बप्पा के आने के वैसे जो है बहुत सजावट जो है की जाती है। और यहाँ पर आप कुछ शॉप्स देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आकर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। और ये जो मैं अभी जिस गली में चल रहा हूँ, ये मुख्य दर्शन का जो द्वार है, यहाँ से जितने भी हमारे भक्तजन हैं वो बप्पा के दर्शन करने जाते हैं। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल अंदर जो है वो अलाउ नहीं है वीडियोज़ वगैरह बनाना, लेकिन मैं आपको बताऊं मूर्ति जो है वो पूरी तरह से बन चुकी है, सिर्फ अभी पेंटिंग का काम है वो बाकी है, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो आप मेरे बैकग्राउंड में जो लाइन अभी देख रहे हो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो लाइन लगती है वो मुख्य दर्शन की, यानी जो फेस थ्रू दर्शन करते हैं भक्त जन आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो लाइन लगती है वो मुख्य दर्शन की यानी फेस वाले दर्शन जो है वो होते हैं। और एक और दर्शन होते हैं वो है मन्नत के। मन्नत वाले दर्शन जो है वो करीबन 2-3 दिन पहले से ही लोग आकर लाइन लगा के रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है गणपति बप्पा के चरणों के दर्शन जो है वहाँ पर मिलते हैं और आप अपनी मन्नत वगैरह जो है वो बहुत ही आराम से वहाँ पर खड़े होकर मांग सकते हैं। तो 2-3 दर्शन की लाइनें हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लालबाग का राजा जो है ये जो है 90 ईयर्स सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं लालबाग के राजा की। आप जानते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं डेट जो है, इस तारीख को लालबाग के राजा की शुरुआत जो है हुई थी। और फिलहाल अब 90 इयर्स जो है वो पूरे हो चुके हैं और 90 इयर्स में अब लालबाग के राजा जो है हम दर्शन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करेंगे कि 100 इयर्स जब पूरे होंगे तब भी हम होंगे और तब भी हम बप्पा के जो है दर्शन करेंगे। तो फिलहाल चलते चलते मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना, जो एग्जिट गेट है, एग्जिट के गेट के अंदर जब आप आओगे, एग्जिट के गेट के बाहर नहीं, अंदर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको ना डेकोरेशन के बहुत प्यारे प्यारे सामान मिलने वाले हैं। यानी अगर आप अपने घर में या आप अपने मंडप में कुछ डेकोरेशन करना चाहते हो तो ये जो बैकग्राउंड में यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है और आपके किस लाइक किस काम आ सकता है वो।
तो जैसे ही हमने अंदर एंट्री की है, एंट्री करते ही हम एक शॉप दिखाई दिए जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये सारी मूर्तियाँ हैं ना, आप गणपति बप्पा के मंडप में रखने के लिए काम आते हैं, और अगर आप अपने घर में बप्पा के मंडप बनाए हैं तो भी बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ जो है आप इनसे खरीद के वो रख सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ से एंट्री है और अंदर बहुत ही सारी चीज़ें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है एंट्री है, और एंट्री ही इतनी बढ़िया है, इतनी प्यारी है, आई डोंट नो मुझे शूट करने देंगे कि नहीं देंगे। और यहाँ पे पापा जी की तस्वीर लगी, और यहाँ देखिए अंदर क्या ही डेकोरेशन के सामान है, मैं ये आपको दिखाता हूँ अगर मुझे अलाउ किया देखने दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, और ये जो है वो बप्पा जिस पे बैठते हैं, पीढ़े, हमें हमारे में पीढ़ा कहा जाता है वो है, आप अपने लैंग्वेज में समझ जाते होंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिल जाएंगी आपको, और यहाँ पर बहुत सारी डेकोरेशंस की गई हैं जहाँ पर आप बप्पा को रख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये झाड़ वाला थीम लगाया गया है, वहाँ पे जो बप्पा की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वहाँ पर बैठा सकते हैं। और देखिए ये कितना प्यारा है, वाओ, देखिए ये सिंहासन बप्पा के, तो बहुत सारे हैं। शायद मैं आपको वीडियो में पूरी क्लैरिटी से दिखा ना पाऊँ, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो लाल बाग में तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी आइए। अगर आज देख रहे हो तो आज कल में आ जाइए, क्योंकि बुकिंग जो है वो आई थिंक सो हो जाती है, और उसके बाद फिर मिले ना मिले आपको आपका पसंदीदा। तो इतने सारे चीज़ें हैं और सबका रेट जो है वो लिखा गया है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से जो रेट है ऐसा लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे प्यारे जो सिंहासन जो हैं वो बनाए गए। ये भी देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, किस तरह से वो मोर वाला ऊपर लाइन से आप देख लीजिए। तो इस साइड तो है ही है ये, और इन्होंने इस साइड भी जो है वो लगाया, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए प्यारे प्यारे। ओम वाला भी बहुत पसंद है मुझे, जो कि ये 1500 रुपये का है, ये सारे ही 1500 रुपये के, देखिए पूरा कितने प्यारे प्यारे हैं। तो 1500 रुपये की जो है पूरी वो उन्होंने लाइन लगाई, ये 1200 का है, ये भी 1200 का है, ये भी 1200 का है, ये भी 1200 का है, और ये 3000 रुपये का है, और यहाँ पर इसका रेट नहीं लिखा है, और ये 1500 रुपये का है, और इस तरह से वो 1100 रुपये का है। तो बहुत सारे हैं, और ये देखिए ये बहुत अच्छा थीम लगा, आई थिंक सो ये लाइटिंग वीटिंग करने वाला है, वो जो प्लग है आप लगा देंगे तो पूरा ये ग्रीनरी लाइट से भर जाएगा। और कुछ फ्लावर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, देखिए अपने मंडप में आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये मुझे बहुत स्पेशल लगा, ये 5500 का है, ये देखिए ये, और यहाँ पर भी है, और ये कितने का है, ये 4200 का है, ये 4000 रुपये का है। तो ये थोड़े बड़े बड़े हैं, ये स्क्रीन में छोटे दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल थोड़े बड़े बड़े हैं, ये भी 4000 रुपये का है। वो भी देखिए वहाँ पे बप्पा को बीच में बैठा सकते हैं मूर्ति को, और जो काफ़ी चमक के दिख रहा है ये 4000 रुपये का, ये काफ़ी मतलब डेकोरेटिव दिख रहा है, मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है ये, और ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े रखे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। और ये बैकग्राउंड में टेम्पल का जो है ये भी दिख रहा है, ये भी आप रख सकते हो अपने घर में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेकोरेटिव डेकोरेशन के लिए हैं, अपने घर में आप किस तरह से डेकोरेशन करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो, पूरा इस तरह से। फिर यहाँ से चलते हैं हम आगे, यहाँ पर जो है आपको ना फूल वगैरह जो मिल जाएंगे, हालाँकि ये असली वाले नहीं है आप जानते हैं, यहाँ पर सारे फूल जो है वो रखे हैं अलग अलग प्रकार के। और ये देखिए ये जो है पूरा पेड़ जैसा राउंड 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 बांधने वाला है, और इसकी क्वालिटी देखा जाए, क्वालिटी भी प्लास्टिक की है, बहुत बढ़िया है, और कड़क है काफ़ी अच्छी है इस तरह से। देखिए ये पूरी दुकान ही पूरी डेकोरेशन की दुकान है। तो यहाँ पर आप आकर ना शॉपिंग कर सकते हो, अगर आपको अपने मंडप को सजाना है, डेकोरेशन करना है, आपको कुछ आइडिया चाहिए तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। आपने देखा यहाँ पे मेरे दोनों बैकग्राउंड में किस तरह से प्यारे प्यारे जो है मंडप, छोटे छोटे मंडप जो है वो सजा कर रखे गए हैं। तो सारे रेट्स आपने देख लिए, फिलहाल अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ, चलते हैं गणेश गली की ओर, वहाँ देखते हैं अगर हमें कुछ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखिए अभी तैयारियाँ जो है बहुत ज़ोर शोर पर चालू है, और मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब करूँ वीडियोज़ वगैरह बना के, जो लोग हैं वहाँ पर काम करते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वीडियोज़ बनाना मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी स्लोली जो है वो वीडियो बना रहा ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो और अपना काम भी हो जाए और आप तक एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी पहुँच जाए। फिलहाल देख लिया आपने ये जगह, एग्जिट गेट जो है लालबाग का, वो एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट है, तो एग्जिट गेट जो है वहाँ से जैसे आप अंदर आएंगे एग्जिट गेट से, आपको ये जगह जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, अगर आपने मेरा पिछले साल का वीडियो अगर नहीं देखा होगा, जो मुंबई का रिचेस्ट गणपति बप्पा का आइडल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत काफ़ी ज़्यादा
नॉलेजेबल वीडियो है वो, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी है, यही वो वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं मुंबई का राजा यानी गणेश गली में, जो आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बप्पा जी का आइडल, यहाँ पर बहुत ही लोग आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर भी जो तैयारी है जोर शोर में चालू है, आप देख सकते हो सारे बाम्बूज वगैरह जो अभी लगे हुए हैं और तैयारी में है, क्योंकि अभी समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर देखिए मंडप जो है अभी आधा अधूरा तैयार हुआ है, और वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि अगर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो फिर नहीं बनाने चाहिए। पर एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कुछ इस तरह से जो है मुंबई सराजा यानी गणेश गली में जो बैठाते हैं आइडल, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो फिलहाल ऐसे आधा अधूरा देखने में मज़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो जब पूरा मंडप तैयार हो जाएगा ना, तब जब आप देखने आओगे आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। सीरियसली इस बार का थीम गणेश गली का भी बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो वहाँ सामने जो है गणेश गली के राजा जो है बैठते हैं, और यहाँ पर देखिए एक और दुकान है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दुकान यहाँ पर इन्होंने बनाई है, डेकोरेशन की है, आप नाम पढ़ सकते हो यहाँ पर, देखिए अंदर चलते हैं, डेकोरेशन की काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्यारी प्यारी रखी गई हैं, आइए चलते हैं अंदर। तो ये काफ़ी दिखने में छोटी है स्क्रीन में, लेकिन एक्चुअल में जो है वो बहुत बढ़िया है, और नाम इनका है सिद्धि विनायक, थीम जो है बनाया गया है और बहुत ही प्यारा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे तो मेरे स्क्रीन में फिट नहीं हो रही थी तो मैंने वाइड एंगल में दिखाया, बहुत बढ़िया है। और प्राइस इसका क्या है आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन चलिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर है, बहुत ही प्यारी मंडप जो है बनाया गया, सेम ऐसे ही है लेकिन ये छोटी है, और यहाँ पर भी एक है, ये देखिए वो कितना प्यारा है, यहाँ पे देखिए बगुला गिर रहा है, देखिए ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके जो छोटे छोटे बाल गणेश होते हैं या फिर छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं उनके लिए बनाई गई हैं, और यहाँ पे ये देखिए वाला कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये, और प्राइसिंग जो है यहाँ पर प्राइसिंग, हाँ ये देखिए इसकी प्राइस जो है वो 3,800 रुपीज़ है इनकी, ठीक है, बाकी ये जो है मैंने दिखा था आपको 4,600 का। और यहाँ पे ये देखिए प्राइस जो है आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी काफ़ी, तो जिस तरह से देखिए, तो ये देखिए ये 1,490 रुपये का, और ये 1,250 का, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, मैं वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ आपको, मैं वापस से बताऊँगा, ये काफ़ी बड़ा है, ये सेम बहुत बड़ा है, और पीछे स्पेस नहीं इसलिए मैं आपको ज़्यादा पीछे से दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है, ये देखिए पूरा महल की तरह बनाया गया एकदम, देखिए बहुत बढ़िया क्राफ्टिंग, देखिए इतनी छोटी सी ये गैलरी है, और यहाँ पे ऐसे सारे डिस्प्ले रखे गए हैं, आप बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं, और ये देखिए कितना प्यारा बनाया गया है, इसका प्राइसिंग जो है मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे प्राइसिंग जो है नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप आओगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। और ये देखिए स्क्रीन में उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है जितना एक्चुअल में दिख रहा है, तो एक्चुअल में जो है बहुत प्यारा दिख रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। और ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर आपका बहुत बड़ा मंडप है तो मंडप में जो है ये थीम जो है वो फिट हो जाएगा एकदम, और नाम देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे नाम है लिखे हुए, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और बहुत ही प्यारा है यार, मुझे पता नहीं था कि इतने प्यारे प्यारे मंडप जो है बनते हैं, फर्स्ट टाइम वो तो मैं लकली यहाँ पे ऐसे आ गया और मुझे दिखाई दिया, और ये देखिए कितना प्यारा वो आग जो है वो निकल रहा है, लग ही नहीं रहा कि वो ओरिजिनल नहीं है, बहुत ही ओरिजिनल दिख रहा है, ठीक है, तो मैं वाइड एंगल में करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी कलरिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन ये देखिए तो ये झूले टाइप हैं, झूले वाले जो है थीम बनाए गए, और इसका प्राइस है देख लिया आपने, तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर डेमो दिया गया है, कुछ इस तरह से आप अपने मूर्ति को जो है पप्पा के बैठा सकते हैं, और कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो आप अपनी मूर्ति के हिसाब से जो है वो थीम जो है वो ले सकते हैं। सो करीबन 3 से 4 घंटे से कंटिन्यू शूट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, और बहुत ज़ोरों की लग गई है भूख, बिना खाए पिए घर से निकले थे, और आपको मैंने पूरा दिखा दिया लाल बाग में, आप अगर आ रहे हो तो आपको दर्शन कैसे करना है, आपको अभी तैयारियां जो है वो कैसी चालू हैं, अगर डेकोरेशन की चीज़ें लेना चाहते हो तो कहां से ले सकते हो, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है एक छोटा सा लाइक अगर आप कर सकते हो, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मैं आपको यूँ ही ढेर सारे अच्छे अच्छे
एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स जो है वो लेकर आता रहता हूँ। आँख बंद हो रही यार मेरी, धूप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स जो है वो लेकर आता हूँ। और भी अगर अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके मेरे चैनल को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको वाटर पार्क से लेके बहुत सारे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स जो है मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको और बोर ना करते, फाइनली फिलहाल मैं आपको यहाँ से आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, टाटा बाय बाय।